कल हम लोग पढ़ रहे थे कर्वी लीनियर मोशन, और उसमें मैंने दो तीन फॉर्मूले बताए थे। एक तो ए वेक्टर, ये तो हो गया डी वी अपॉन डी टी, और एक मैंने बताया था ए टी, ये हो गया डी वी अपॉन डी टी, या फिर डी बाई डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। और बाय द वे ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसको मैंने ए कॉस थीटा लिखा था, या ए डॉट वी अपॉन वी लिखा था, क्यों इतना किया था। और एक मैंने रेडियल एक्सेलेशन लिखा था, ए साइन थीटा या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए टी का स्क्वायर, और इसको मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा था। बता मेगा, इनमें कोई कंफ्यूजन है? ये तीन में बता बता बेटा जी, ये क्या चीज है? गुड इवनिंग उज्जवल, एटी क्या चीज है और एआर क्या है, ये कह लो जो है। ठीक, अब एक एग्जांपल देखो, उससे क्लियर होगा। एक पार्टिकल है, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा, और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो दे रखा है 2t² और वाई कोऑर्डिनेट t³ दिया हुआ है। तो तुम्हें 1 सेकंड में इसका पोस्टमार्टम करना है। अब सुनो, सबसे पहले ये बताओ इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख दूं? क्यों जो बता, पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा ना बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मतलब 2t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बनेगी, और वो आ गई 4t i कैप प्लस 2t² जी कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलेरेशन बना, और ये बना 4i कैप प्लस 4t j कैप। उज्जवल और मेह का बताओ बेटा, इसमें यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बता, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ये तो ये बन गया। अब हमें इसका पोस्टमार्टम करना है 1 सेकंड। वन सेकेंड में जो वेलोसिटी बन रही है वो जरा देखना, 4i कैप प्लस 2j कैप बन रही है। और एक्सेलेरेशन बन रहा है 4i कैप प्लस 4j कैप, अब ध्यान से देखना। इसका मतलब यहां से वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बना वो √16, 4 का स्क्वायर
प्लस टू का स्क्वायर ये बन गया, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से 2√5 आ गया। क्यों उज्जवल बता, कैलकुलेशन बताना जरा सही है। ये हो गया। इसी टाइप से ए का जो मैग्नीट्यूड बना, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो सीधे 4√2 आ गया। ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, दोनों अगर 4 हैं तो 4√2 आ जाएगा। और मान लो 4 4 4 है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, तो 4√3 हो जाएगा। फिर मे का समझ में आ रहा है, अगर मान ले 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप है तो फिर 4√3 हो जाएगा। ये आ गया। अब मैं वी डॉट ए भी निकाल लेता हूं। वी डॉट ए कितना हो गया देख, 16 प्लस 8 24 आ गया। अब एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये बताओ सबसे पहले 80 की जो वैल्यू थी वो मैंने ये नहीं लिखी थी, वी डॉट ए अपॉन वी, बताओ ये लिखी थी या नहीं लिखी थी उज्जवल, बताओ बेटा जो है 80 की वैल्यू ये लिखी थी कि नहीं लिखी थी उधर। गुड इवनिंग बेटा। तो वी डॉट ए तो आ गया 24 और वी आ गया 2√5। क्यों? और ये वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हुआ, क्यों नहीं बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हुआ। और एक चीज बता कि इस समय ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका क्या मतलब है जरा बता, ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका क्या मतलब है बता जो है। हाँ इसके दो मतलब है वैसे तो, एक तो स्पीड बढ़ रही है और इसका दूसरा मतलब यह है कि जो थीटा है हाँ वो एक्यूट है जो है, एक तो ये आ गया ठीक बी पार्ट। अब ये बता कि अगर इसका मैं रेडियल एक्सीलरेशन निकालूं तो फिर वो अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर होगा ना, क्यों जो बता बेटा जो है रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर होगा। और जरा देख ए स्क्वायर कितना हुआ, इसका स्क्वायर है 32 आ गया मेरे ख्याल से, क्यों। और एटी का स्क्वायर कितना हुआ जरा देख, यार ये तो लंबा चौड़ा आ गया, चलो कह रहा नहीं मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, एटी का स्क्वायर कह दे, ये ए आर आ गया। लेकिन एक बात बता कि ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होती है ना, क्यों गोपी बता, ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होती है, तो इसका मतलब तू यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता बता जो है। आर इक्वल टू रेडियल एक्सिलेशन अपॉन बी स्क्वायर कर देना बस, हो गया। तो ये क्या बन गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई इसमें। उज्ज्वल समझ में आया, उसने जो भी पाथ फॉलो किया, उसने जो भी पाथ फॉलो किया 1 सेकेंड पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। अब तुम्हें याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आउट ऑफ सिलेबस है उज्ज्वल, जब तू प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, याद रहा, जब टेस्ट दिया था मैंने, जब टेस्ट दिया था तो उसमें हाँ एक आउट ऑफ सिलेबस था, वो एक्चुअल में इसी पे बेस्ड था। तो अब उसको ट्राई करना, फिर उस क्वेश्चन को अब ट्राई करना बेटा जी, ठीक है अब कर लो। एक और एग्जांपल देखो, ये यू है
ये थीटा है, तो तुम्हें ये निकालना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट जो भी पैराबोलिक पाथ बन रहा है, पैराबोलिक पाथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे पैराबोलिक पाथ का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। अब सुनो, ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी है और वो यू कॉस थीटा रहेगी, कोई डाउट? बता गोपी, हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, और ये एक्सिलेशन है। हाँ, और ये होगा जी, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्यों नहीं होता, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ए टी की वैल्यू जो ए नहीं होता, मुझे एक्चुअल में थीटा थीटा में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, इसको थीटा थीटा में हो जाओगे तुम कंफ्यूज, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ। तो फिर इसको भी हेल्प आ गया। अब सुन, जो एटी वहां पे ए कॉस थीटा होता था वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये थीटा बनेगा ना। इसका मतलब जो भी एक्सीलेशन है वो रेडियल एक्सीलेशन है, नहीं होता? हाँ, जो भी एक्सीलेशन है वो रेडियल एक्सीलेशन है, और रेडियल एक्सीलेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्यों नहीं होता, रेडियल एक्सीलेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब मैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन वहां पे जो वी है वो एक्चुअल में यू कॉस अल्फा है, इसका स्क्वायर आ गया, और ए का मतलब जी आ गया, ये हो गया, बस हो गया। उज्ज्वल बता बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि हाईएस्ट पॉइंट पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलेशन तो हो गया 0। तो फिर जो भी एक्सीलेशन है वो पूरे का पूरा क्या है बता, रेडियल एक्सीलेशन, और उसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेगा। लेकिन ये कंफ्यूज मत हो ना, दिस आर इज नॉट रेंज। हाँ, कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, जो है ये रेंज नहीं है बेटा, जो तो मेरे ख्याल से ये तीनों एक्सेलेशन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ए क्या होता है, एटी क्या होता है, और रेडियल एक्सेलेशन क्या होता है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, पहली बात इसको आगे से मैं सीएम कह दूंगा। हाँ, दूसरी बात, कर्वी लीनियर है, नहीं है, मतलब कर्वी लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नॉट स्ट्रेट लाइन, तीसरी बात, ये मेरे ख्याल से मैंने कभी बताया होगा, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन,
ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ मुझे। ये बता, ये टू डायमेंशनल मोशन है या फिर मोशन इन ए प्लेन है बेटा? ये मोशन इन ए प्लेन, अब वो एक अलग बात है कि ये वाला जो प्लेन है ये हॉरिजेंटल भी बन सकता है, ये वर्टिकल भी बन सकता है और ये इंक्लाइंड भी बन सकता है। जबकि तुम्हें याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्लेन बनता था वो केवल हॉरिजेंटल बनता था, वर्टिकल सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्लेन बनता था वो केवल क्या बनता था, वर्टिकल बनता था। ठीक, ये तीनों प्लेन ऐसे समझ लो ना, जैसे एक तो ये हो गया बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, ये तो हॉरिजेंटल हो गया, और एक ऐसे मान लो, ये वर्टिकल हो गया, और एक बताओ ऐसे हो रहा है मान लो सर्कुलर मोशन, यहां पे चल रहा है, तो बताओ ये इंक्लाइंड प्लेन आ गया कि नहीं आ गया? गोपी बता बेटा, जो है सर्कुलर मोशन का प्लेन हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक, चौथी बात, कल मेरे पास जो है ना एक बच्चे का मैसेज आया था, इससे पहले मैंने कुछ समय एन अकेडमी को पढ़ाया था ना बेटा, जो है नीट का एस्पिरेंट था, वो जो है नीट का एस्पिरेंट था, तो उसके बता रहा था कि वो 176/180 मार्क्स आ रहे हैं बेटा फिजिक्स में। और उसका एक और कॉम्प्लीमेंट था कि ऑल क्वेश्चंस वो आपके नोट्स या फिर रिवीजन जो मैं करवाता हूँ लास्ट में वहां से थे। इसीलिए मैं जो है उसको बोलता था नहीं, नोट्स या फिर रिवीजन से थे, मतलब जो भी मैं क्लास में करवाता हूँ वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस। हाँ बेटा, उनका मैसेज भी मैं एक बार वो कर दूंगा, है ना, ये तो नीट वाला था खैर जो है। एनीवे जेई का और बता देता हूँ ना तुम्हें, जेई की क्या स्ट्रेटेजी होती है बेटा जो है। उज्ज्वल तू भी समझ लेना बेटा जो है, जेई के दो पार्ट्स हो गए ना मेंस, वैसे कई बार बता चुका हूँ, एडवांस्ड मेंस में अगेन वही चीज रहेगी, काफी हद तक यही रहेगा बेटा जो है। लेकिन एडवांस थोड़ा ट्रिक होती है बेटा जो है, समझ गए ना, ये एक बहुत ट्रिक होती है इसको क्रैक करने के जो है। और इसमें इतना कन्फर्म है बेटा, विदाउट जो है ना आपका एक फिजिक्स आईक्यू के बिना, मतलब उसको मैं PIQ कहता हूँ जो है, फिजिक्स IQ, उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब एडवांस का वो जो है ना उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। गोपी समझ में आ गया बेटा जो है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा, वो तो गॉड गिफ्टेड है जो है, समझ गए ना, और किसी में कम ज़्यादा भी है तो कोई ऐसी बात नहीं, उसमें फिजिक्स IQ कम है तो वो किसी और फील्ड में होगा बहुत एक्सपर्ट, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का PIQ कम है तो वो डिमोरलाइज फील करे, यार मेरा तो PIQ कम है जो है मैं क्या करूंगा, तो केवल फिजिक्स ही थोड़ी रह गया जिंदगी में, केवल IIT वगैरह ही थोड़ी रह गया, मतलब डिमोरलाइज करने वाली बात कोई नहीं है, बस ये है कि PIQ अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम एडवांस के क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्रैक कर लोगे बेटा जो है। ठीक, तो अब इसका मैं बता दूं, पहले भी ऐसे कई बार मैंने कहा होगा तुम्हें, करीब करीब तुम ये मान लो रफली ना 1000 रैंक तक, PIQ तो सही होना ही चाहिए, वो भी इतने से कवर हो जाता है जो है उज्ज्वल, मतलब अगर कोई बच्चा
कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए उसने जो है, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया उसने, सिर्फ मेरे क्लास नोट्स पढ़े, बस हो गया, क्लास नोट्स पढ़े और रिविजन किया हुआ है, मतलब जो भी रिविजन मैंने बोला हुआ है वो किया हुआ है जो है, किताब भी नहीं किए मान ले जो है, ठीक है, तो भी वो 1000 रैंक तक आ जाएगा आराम से उसमें, मतलब 1000 रैंक वाले बच्चे की जो फिजिक्स में मार्क्स आने वो आ जाएंगे उसके जो है। अब तेरे को इससे ऊपर ले जाना है, अगर less than 1000 ले जाना है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर प्रैक्टिस और PIQ दोनों चीज होनी चाहिए, मतलब PIQ लेवल थोड़ा और ऊपर होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस उतनी बहुत है जितनी मैं कहता हूँ, समझ गया, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो बहुत है, फिर टाइम मिले तो, अगर टाइम मिलता है तो फिर उसको तुम आगे वो कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से उज्जवल तेरे समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, समझ में आ गई तेरी बात जो है, ठीक है। तो एनीवे अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ अब जो सर्कुलर मोशन है ना, इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा जो है, एक हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे, एक हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कह लो, और लास्ट में एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। मतलब इसके पूरे चैप्टर के कह सकते हो तीन पार्ट्स होंगे। अब काइनेमेटिक्स में क्या आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा वी क्या है, ए क्या है, एक्सेट्रा कह लो, समझ में आ गया उज्जवल, काइनेमेटिक्स में ये हो गया बेटा जो है। अब तू कहेगा डायनेमिक्स में क्या आएगा, फिर एक बात बता, ये जो भी ए आ रहा है ये किसी फोर्स से आ रहा होगा ना, विदाउट फोर्स तो नहीं आ सकता ना, ये बता ए जो भी आ रहा है, एक्सेलरेशन जो आ रहा है, ये किसी फोर्स से आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा बता जो है, फ्रॉम सम फोर्स, तो बेसिकली हम इसमें फोर्स के बारे में बात करेंगे जो है। वो भी समझ में आ गया क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे वी क्या होगा, ए क्या होगा, और डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि यार ये एक्सेलेरेशन का सोर्स क्या है, फोर्स है, तो वो फोर्स कहां से आया जो है, और लास्ट में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको आगे से मैं VCM कहूंगा बेटा, ध्यान रखना, इसमें फिर इनर्जी भी आएगी कुछ, जब हम करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा ये कह रहे हैं। तो तीन चैप्टर्स का ही मिक्सचर है जो है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर। देखो ये हो गया ना, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, वो भी समझ में आ गया बेटा जो है, ये बता जो है, सर्कुलर मोशन में तीनों चैप्टर लगेंगे, काइनेमेटिक्स भी लगेगा, लॉज ऑफ मोशन भी लगेगा और वर्क एनर्जी पावर भी लगेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहली बात, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं ना, इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है बेटा, एक तो लीनियर जिसको हम वी कहते हैं, और एक एंगुलर जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा का साइन है ध्यान रखना, वेलोसिटी हो गई। दूसरा, अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं,
तो इसमें भी दो आ जाएंगे बेटा जो है लीनियर, जिसको मैं ए कहूंगा, और एक एंगुलर जिसको मैं अल्फा कहूंगा। ये बताओ, ये चीजें समझ में आई? उज्जवल बता बेटा जो है, वेलोसिटी की अगर बात करूंगा तो दो हो जाएंगी, लीनियर और एंगुलर, और अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो भी दो आएंगे बेटा जो है, लीनियर और एंगुलर। ठीक, और ऑब्वियस ही बात है, लीनियर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? क्यों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? अब चलते हैं तीसरी बात। अब एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। बताओ उज्जवल, बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बता, लीनियर एक्सीलेशन के क्या हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, टेंजेंशियल और रेडियल के लिए जो है। ठीक, फोर्थ पॉइंट। अब जो ए और वी होंगे, अब वो एक अलग बात है, ए में दो चीजें आएंगी हैं बेटा, एटी और ए आर। ये प्लेन ऑफ सर्किल में लाई करेंगे, प्लेन ऑफ सर्किल में लाई करेंगे, और ओमेगा और अल्फा ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल होंगे। मेहिका बता बेटा, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? बता जो है कि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सलेशन, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सलेशन वो तो प्लेन ऑफ सर्किल में लाई करेंगे, लेकिन जो ओमेगा और अल्फा होगा ठीक, वो फिर परपेंडिकुलर टू क्या होगा? प्लेन ऑफ सर्किल होगा, ये ध्यान। अच्छा, यहां से एक चीज बताओ फिर, ए डॉट ओमेगा बताओ क्या होना चाहिए बेटा? बताओ, गुड, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए? बताओ बेटा जो है उज्जवल, बता बेटा जो है, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए? बता, ए डॉट ओमेगा जीरो नहीं आना चाहिए? बता बेटा जो है, क्योंकि जो ए वेक्टर है वो प्लेन ऑफ सर्किल में है, और जो ओमेगा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल है, तो जीरो आ गए। सिमिलरली वी डॉट अल्फा, ये भी कितना होना चाहिए जरा बताओ उज्जवल, बता बेटा जो है, ये भी क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों? ये पॉइंट भी क्लियर होगा ना? अब चलते हैं सिक्स्थ। अब ये बताओ कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी ये हमेशा टेंजेंशियल नहीं होगी? ये भी क्लियर हो गया? बताओ, ये तो वैसे भी मैंने बताया था कि जब भी लीनियर वेलोसिटी होती है वो कर्वी लीनियर पाथ के हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा क्या होगी बेटा जो है? टेंजेंशियल होगी। ठीक, अब चलते हैं सेवंथ पॉइंट। इन टाइम डी टी, मान लो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ऐसे घूम रहा था, ध्यान रखना,
पी से पी डैश पहुंच गया और ये डी थीटा एंगल घूम गया, ये रेडियस आर है। एक बात बताओ, वी इक्वल टू मैं डी एस अपॉन डी टी, वो लग पाता है डी एस की वैल्यू पी पी डैश है, ये लिख दूं बताओ गोपी भाई, बता बेटा जो है वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख दूं बता जो है, ये हो गया। और जो ओमेगा होता है ना वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी होता है बेटा जो है, इसका मतलब एक तरीके से एंगल रोटेटेड। हाँ वैसे वो और बढ़िया, पता क्या लगता है गोपी सही वर्ड क्या होता है देख, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, ये ज्यादा बढ़िया लगता है जो है, वो पर सेकंड भी सही है लेकिन ये वर्ड मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम। बता उज्जवल बता, कोई डाउट है बता, डाउट है कि नहीं है उज्जवल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बता जो है, तेरे को फिजिक्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बता जो है उज्जवल भाई, आ रहा ना मजा? और ऐसा टीचर तूने बता, तूने देखा आज तक कभी तेरे को ऐसा कोई टीचर मिला तेरे को ये बता जो है, तो ये बता कि तेरे को ऐसा टीचर मिला कभी आज तक? अबे रुक जा गोपी, गप मार रहे हैं तो बीच में फिजिक्स की बात कर दे रहा जो है, ठीक है। तो वी तो तो v तो हो गया ds by dt और ओमेगा हो गया d थीटा अपॉन dt, ठीक। अब चलते हैं 8th पॉइंट, जो गोपी कह रहा है वो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, सबसे पहला रिलेशन बेटा ये आया और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। देखो v को मैंने लिखा ds by dt और जरा देखना ds, ये आर्क है ना, हाँ ये बताइए आर्क है, और आर्क तेरे को याद होगा रेडियस इनटू एंगल होता था, ये होता था, इसका मतलब ये हो गया रेडियस इनटू d थीटा हो गया, क्यों रेडियस इनटू d थीटा, तो फाइनली जो v आ गया वो आ गया r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, और d थीटा अपॉन डी टी को मैंने क्या बोला था ओमेगा, तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो गया r ओमेगा हो गया। उज्ज्वल बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा उज्जवल बता, ये रिलेशन समझ में आया v इक्वल टू आर ओमेगा, और v मैंने तेरे से कहा ds बाई dt होता है, ds आर्क है और आर्क का मतलब रेडियस इनटू एंगल, तो वहां से हमने निकाल दिया v इक्वल टू आर ओमेगा। अब चलते हैं 9th पॉइंट, ओमेगा जो निकलेगा डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए तो हम लगाएंगे स्क्रू लॉ, और अल्फा जो डी ओमेगा बाई डी टी भी होगा, इसकी क्या कहानी है सुनो, ये बताओ कि अगर वी बढ़ है तो ओमेगा भी बढ़ेगा ना,
बता गोपी, अगर मान ले वी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, तो तेरे को इस केस में ऐसा नहीं लग रहा कि जो अल्फा वेक्टर है वो पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर होगा? बता, फील आया कि नहीं आया? बता मेरे का, बता बेटा जो है कि अगर वी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, और उस केस में अल्फा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और अगर वी कम हो रहा है तो ओमेगा भी डिक्रीज होगा। और उस केस में अल्फा वेक्टर वो एंटी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर होगा। उज्जवल बता बेटा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा बता जो, उज्जवल बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर वी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, इसका मतलब अल्फा वेक्टर ओमेगा वेक्टर के पैरेलल होगा। वी कम होगा तो ओमेगा कम होगा, इसका मतलब अल्फा वेक्टर ओमेगा वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। एक एग्जाम्पल देखना तब समझ में आएगा। बेटा गोपी, तू बेटा छल को लेता है हल्के में, तू सोचता है छल ने अच्छी किताब लिख ली, वच हो गया। ये ऐसे घूम रहा और तेरे से कह रहा कि वी बढ़ रहा है, तो जरा स्क्रू लॉ लगा के बताओ कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी? बताओ बताओ, स्क्रू लॉ लगा दो, बता दो किधर को होगी बेटा जो। हाँ बस हो गया, इनटू द पेज हो गई। हाँ ये इनटू द पेज हो गई, और तेरे को याद है इनटू द पेज को मैंने क्रॉस से दिखाया था, याद आ रहा? इनटू द पेज को मैंने क्रॉस से दिखाया था। और जरा बताना अल्फा वेक्टर किधर को होगा? बताओ जरा बताओ। हाँ ये भी क्रॉस में ही होगा, बिकॉज वी इंक्रीजिंग तो ओमेगा भी इंक्रीजिंग। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया तेरे? बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया बेटा, ये है कहानी जो है। मेका तू बता बेटा, मेका तू बता, ये समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं आई? बता जो है, क्लियर हो गए ना? आप सुनो एक और एग्जांपल देखो। ऐसे पढ़ाने में ना उज्जवल बहुत मजा आता है, बस पढ़ाते जाओ और बच्चे समझते चले जाएं, बस दो तीन बच्चे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं लगाने पड़े, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, पढ़ाया आपने और उनके दिमाग में इनग्रेव हो गया बेटा, बस बड़ा मजा आता है ऐसे में जो है। अब ये बता कि अगर मान ले ये है और वी तेरे से कह रहा है कि वी डिक्रीज हो रहा है, अब बता ओमेगा वेक्टर किधर को होगा? बता, हाँ स्क्रू लॉ लगेगा ना बेटा, इसमें क्या लगेगा? स्क्रू लॉ लगेगा, तो इसका मतलब ये डॉट होगा ना, हाँ आउटवर्ड्स। लेकिन अल्फा वेक्टर किधर को आएगा? बता अल्फा वेक्टर किधर को आएगा? बता जो है बेटा, गोपी बता चुका है, क्रॉस, बिकॉज वी डिक्रीजिंग सो ओमेगा डिक्रीजिंग तो अल्फा एंटी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया हूं ना तो मैं क्यों?
वी क्या होता है, ओमेगा किधर को आता है, अल्फा किधर को आता है, ये सब समझ में आ गया होगा उज्जवल, क्यों क्लियर है ना। अब फिर से चलते हैं सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात, इसमें डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज होगी, बताओ है कि नहीं है। डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये सर्टेनली चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज के लिए एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था, जरा बताओ। डायरेक्शन चेंज के लिए एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था, ए आर। तो इसका मतलब इतना कंफर्म है कि ए आर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। उज्जवल बता, ये बता, ए आर की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है बेटा, ये बता। जो है डायरेक्शन तो सर्टेनली चेंज होती है, क्यों डायरेक्शन सर्टेनली चेंज होती है, तो ए आर तो कभी जीरो नहीं हो सकता जो है। अच्छा, ए आर के मैंने तेरे से कहा था कई नाम होते हैं, ए आर या ए एन या ए सेंट्रीपीटल, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, क्यों। लेकिन ये बता कि अगर मैं वी को आर ओमेगा रखूं बेटा, जो है वी को अगर मैं आर ओमेगा रखूं तो फिर ये आर ओमेगा स्क्वायर भी तो हो गया, चेक कर। देख जरा, पुट वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये हो गया, बस हो गया। ए आर का ये फॉर्मूला हो गया, ये तो डायरेक्शन की बात आ गई। अब चलते हैं स्पीड की बात। स्पीड में फिर तीनों केस बन सकते हैं, क्यों। स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, स्पीड बढ़ भी सकती है, और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन तो डेफिनेट है कि डायरेक्शन चेंज होगी बेटा जो है, क्यों। तो इसका मतलब ए आर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन स्पीड के तीन केस हो सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और कम भी हो सकती है। अब जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो जो एटी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है। उज्ज्वल भाई बता बेटा, जो है एटी की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, इसको ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, फिर ये ध्यान रखना बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आगे से मैं इसको बोल दूंगा UCM। और जरा बताना, 80 जब इंक्रीज होगी तो 80 प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, बता। बताते हुए चल बेटा, इसका मतलब थीटा एक्यूट बनेगा, ये हो गया। और एक बात बता कि जो ए टी होगा वो तेरे को लग रहा है कि पैरेलल टू वेलोसिटी होगा, बता। उज्जवल, मीका, तू बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, थीटा एक्यूट होगा, और एटी किधर की तरफ को आएगा, वी की डायरेक्शन में आएगा बेटा जो है, और डिक्रीज में उल्टा हो जाएगा, एटी की वैल्यू नेगेटिव, थीटा ऑब्ट्यूज बनेगा,
और ए टी एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी आएगा जो है, ये होगा फिर सूत्र। अच्छा यहां पे जो मैं थीटा कह रहा हूं वो बाय द वे किस किस के बीच का एंगल कह रहा हूं, इस फिगर में जो मैं इस स्लाइड में जो थीटा कह रहा हूं किस किस के बीच का एंगल कह रहा हूं बेटा जो है बिटवीन हाँ ए एंड बी। अब मैं इसी के तीन फिगर बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉन्स्टेंट स्पीड बताते भी चलना कि समझ में आएगी नहीं आए। वी कांस्टेंट देयरफॉर ओमेगा कांस्टेंट एटी जीरो ए केवल ए आर और वो वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर और अल्फा बी जीरो। बताओ इन इक्वेशंस में कोई कंफ्यूजन है किसी को? और इसको हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा, उज्जवल और मिहिका। यार ये डॉगी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा बेचारे को जो है, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताओ जो है। स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब ए इक्वल टू ए आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू जीरो। थोड़ा फिगर में भी बना देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। ये है मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे कह रहा हूं मैं, तो यहां पे ये तो हो गया बेटा वी और एक्सेलरेशन फिर सेंटर की तरफ आएगा, ध्यान रखना बेटा जो है। ये ए आ गया बस हो गया जो है, और ये ए आर के इक्वल भी हो गया और ये वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो गया और ये आर ओमेगा स्क्वायर भी हो गया और वी की वैल्यू आर ओमेगा हो गई और यहाँ पे जो ओमेगा है वो तुम्हें क्रॉस डायरेक्शन में दिख रहा होगा और अल्फा जीरो है। बताओ कोई डाउट है इसमें, इस फिगर में बताओ कोई भी डाउट है? बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब एक करते हैं स्पीड बढ़ने वाला केस। एटी जीरो नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, एक तो ये हो गया क्यों? ठीक, और एटी वो पैरेलल टू वी वेक्टर है, वी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ओमेगा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो अल्फा वेक्टर है वो पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर है। बताओ ये इक्वेशन समझ में आ गई? मीका बता बेटा जो है ये इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई बता जो है। ये हो गया, और इस केस में तेरे को याद होगा जो थीटा बनता था वो एक्यूट बनता था, क्यों?
इसको भी एक फिगर से बना लेते हैं। सुनो, अगेन ये ऐसे ही घूम रहा है, और मैं यहां पे कहता हूं तो वी तो ये हो गया, एटी इधर ही को आएगा, ए आर इधर को आएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये बनेगा ए। और तुम्हें दिख ही रहा होगा ये वाला एंगल, ये एक्यूट बन रहा है, ये हो गया। और जरा चेक करो इसमें जो ओमेगा वेक्टर होगा वो तो क्रॉस में होगा और अल्फा वेक्टर भी क्रॉस में होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? उज्ज्वल मीका तू बता बेटा, जो है बता इसमें कोई डाउट है? इस फिगर में कोई भी डाउट है बेटा ये बता, जो है क्लियर है ना? लेकिन ये कौन सा वाला केस है? स्पीड इंक्रीजिंग वाला केस है। एक और कर लेते हैं, स्पीड डिक्रीजिंग वाला केस। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो है रेडियल जीरो नहीं हो सकता, टेंजेंशियल जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, रेडियल लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तो इसमें जो ए टी होगा नॉट इक्वल टू जीरो बल्कि नेगेटिव होगा, और ए टी वो एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर होगा। अब वी कम हो रहा है तो फिर ओमेगा भी कम होगा, इसका मतलब जो अल्फा वेक्टर होगा वो एंटी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर होगा, और इस केस में जो थीटा बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा। बता उज्जवल, इसमें बता कोई डाउट है? मेगा बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ये वाली इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है ना? अब इसकी भी जरा फिगर बना लेते हैं, देख। अगेन मैं मान लेता हूं ऐसे ही घूम रहा है, यहां पर है बी तो हो गया ये आपके, लेकिन एटी ना इधर को होगा बेटा, और ये हो गया ए आर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बनेगा ए, और अब जरा देखना ए और बी के बीच में ये जो थीटा है ये एब्ट्यूज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बताओ ए और बी के बीच में तुम्हें लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है? और इस फिगर को देख के जरा बताना, जो ओमेगा है वो तो क्रॉस में है लेकिन जरा बताना अल्फा किधर को है? ये डॉट में है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना ए आर को ज्यादातर बेटा सेंट्रीपीटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, ज्यादातर केसेस में सेंट्रीपीटल।
और वो वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। मैं तुम्हें एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको कर लेना, जरूर कर लेना स्कूल के लिए। ये वाले एक्सप्रेशन को ना प्रूफ कर लेना बेटा, जो है इसका प्रूफ तुम लोग जरूर कर लेना स्कूल के लिए। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट। उज्ज्वल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? उज्ज्वल भाई आ गया ना? अब एक फॉर्मूला और उसके बाद फिर हम चलते हैं एकाध एग्जांपल्स में। मैंने AT को तुम्हें बोला अल्फा को मैंने बोला डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है? एक ना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, AT की जो वैल्यू होती है वो आर अल्फा होती है, ध्यान रखना बेटा। जो है थोड़ा प्रूफ कर देता हूं कैसे, देखो आर अल्फा इसका मतलब आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, क्यों? उज्जवल बता बेटा, जो है ये हो गया। अब R कांस्टेंट है तो मैं इसको यहां भी ले जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया d R ओमेगा बाय dt। और जरा बता R ओमेगा किसके इक्वल था? ये बता R ओमेगा किसके इक्वल था बेटा, बता जो है v के इक्वल। तो इसका मतलब ये d v अपॉन dt हो गया, और डी वी अपॉन डी टी याद है क्या था बेटा, जो है ये होता डी वी अपॉन डी टी क्या था बेटा, जो है ए टी के इक्वल था, बस हो गया। तो ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी आता है कि टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन होता है वो आर अल्फा के इक्वल होता है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। रेडियस दे रखी है 2 मीटर और स्पीड v इक्वल टू 2t दिया हुआ है, और तुमसे कहता है एट व्हाट टाइम, थीटा बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज 37 डिग्री। पहले मुझे ये बताओ स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ रही है या कम हो रही है? बताओ कांस्टेंट कम है, कांस्टेंट है, कम हो रही है, बढ़ रही है? तुम्हें दिख रहा होगा ये जो स्पीड है बेटा, जो है ये बढ़ रही है, क्यों? तो जरा बताना इसमें ये वाली फिगर नहीं बनती है, जब स्पीड बढ़ रही होती है तो ये फॉर एग्जांपल v है तो at इधर को आता है, रेडियल इधर को आता है, और ये बन गया a
और ये थीटा होता है, बता क्लियर है या नहीं है बेटा, बता जो है मेका, बता बेटा ये क्लियर है कि नहीं होता जो है, थीटा ये हो गया। अब सुनो, टेन थीटा तुम्हें फिगर में लग रहा है ए आर अपॉन ए टी, बता फिगर में लग रहा है, बता जो है टेन थीटा इक्वल टू ए आर अपॉन ए टी। अब जो ए आर है वो तो होता है वी स्क्वायर बाई आर, और जो ए टी होता है वो डी वी अपॉन डी टी होता है, कोई डाउट? बता, ए आर तो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और ए टी होता है डी वी अपॉन डी टी आ गया। अब वी कितना दिया था मैंने, वी मैंने दिया था टू टी दिया था, क्यों वी मैंने टू टी दिया था, तो इसका मतलब वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर टी स्क्वायर, और रेडियस हो गई टू अपॉन डी वी अपॉन डी टी, कितना लिखूं जरा बताओ। हाँ, यहां से अगर देखोगे तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू ये टू आ गई, तो मेरे ख्याल से सिंपली टी स्क्वायर आ गया, क्यों? बता गोपी, सिंपली टी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है। अब मुझे थीटा को कितना लिखना था, हाँ थीटा इक्वल टू 37 डिग्री दिया था, क्यों? तो इसका मतलब टेन थीटा मतलब 3/4 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो देयर फोर टी इक्वल टू √3/2, इतना सेकेंड हो गया। उज्ज्वल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? उज्ज्वल बता, इस टाइम पे दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, ये होता जो है वो 37 डिग्री आएगा, √3/2 सेकेंड पे वो 37 डिग्री आएगा। अब यहां पे एक छोटा सा नोट करने वाला पॉइंट और है, वो सुनो। जनरल एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा आया ना, कि टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। एक बात बताओ कि टाइम के साथ में ये एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है, ये बताओ टाइम के साथ में एंगल बढ़ रहा है कांस्टेंट है या डिक्रीज कर रहा है बेटा, जो है बढ़ रहा है ना, तो तुम कह सकते हो विद टाइम, थीटा इज इंक्रीज, उज्ज्वल कहाँ चला गया बेटा, तू तू कहाँ गायब हो गया, पहले ये बता बेटा, जो है ये पहले बता, समझ में आया कि नहीं आया तेरे, तेरे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ, या खाली तू कह रहा है कि जो है अरे यार कहाँ फंस गया मैं, तो जो है ऐसा तो नहीं सोच रहा तू, ये बता पहले जो है कहाँ सर के चक्करों में फंस गए, ये तो नहीं सोच रहा पहले, ही बता बैठे हुए, बता दे ईमानदारी से, थीटा टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका रीजन देखते हैं। हाँ सुन, ए टी ये डी वी अपॉन डी टी था और ये टू निकल के आया था और ये कांस्टेंट था, देख लेकिन ए आर जो वी स्क्वायर अपॉन आर था
और बी स्क्वायर हमारा था 4t स्क्वायर, और r था 2, मीन्स 2t स्क्वायर, ये बढ़ रहा था। बता क्लियर है? पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया उज्जवल? बता बेटा जो है, एटी था डीवी अपॉन डीटी, और वो 2 था और वो कांस्टेंट था, और ए आर था हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर, जो 2t स्क्वायर आ रहा था और वो टाइम के साथ बढ़ रहा था। तो अब मेरे को ये बता कि एक ये वाला वेक्टर ना, ये तो फिक्स है बेटा जो है, लेकिन ये वेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो एक बात बता, इनके बीच में जो एंगल है ये जो थीटा था, तेरे को लग नहीं रहा कि थीटा बढ़ता जाएगा? ये बता, फील आया या नहीं आया बेटा? ये बता गोपी, बता बेटा ये फील आया कि नहीं आया? जैसे तू ये देखना, पहले ये था बेटा जो है, तो ये थीटा हो गया, और अब ये तो फिक्स है, लेकिन ये बढ़ गया, ये वाला वेक्टर बढ़ गया। अब जरा बताइए, इधर को आ गया, अब ये बन गया थीटा डैश, तो जरा देखना थीटा डैश की वैल्यू थीटा से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? उज्ज्वल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन वो तो फिक्स है? अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलेशन, समझ गए ना, टेंजेंशियल एक्सीलेशन की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक, लेकिन रेडियल एक्सीलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब धीरे धीरे थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ये कह, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स हमारा हो गया कंप्लीट। काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, देखो। V ds by dt, omega d theta by dt, v r omega, at, इसमें तो कई एक्सप्रेशन आता नहीं, at में कई एक्सप्रेशन आते हैं बेटा जो है, फिफ्थ ए आर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, सिक्स अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, सेवेंथ ए टी इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, और ये वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी होता है, ये डीवी बाई डी टी भी होता है, ये डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर भी होता है, ये ए कॉस थीटा भी होता है, और ये ए डॉट बी अपॉन वी भी होता है। बताओ क्लियर है? इन इक्वेशंस में कोई डाउट है मी का? बता बेटा, इन इक्वेशंस में कोई भी डाउट है तो बता दे बेटा जी, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा बेटा जी, अब कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट। अबे तू फिर वही बात कर देता है तू। शांति से बैठा कर मैंने तेरे से कहा, एक प्रॉपर ऑर्डर में करता हूं मैं, ऐसे काम नहीं करता बेटा जो है।
प्रॉपर ऑर्डर में। अब चलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहला 99% केसेस में हम UCM पढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें AT की वैल्यू तो जीरो होगी। इसका मतलब जो A होगा वो वी स्क्वायर अपॉन आर होगा या फिर आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और वही एक्चुअल में रेडियल एक्सीलरेशन होगा और वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? उज्ज्वल बता बेटा जो है, 99% केसेस में हम डायनेमिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसमें AT तो होगा जीरो, इसका मतलब A सिर्फ AR होगा, V स्क्वायर अपॉन R या R ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक। इसका मतलब ये बता कि therefore F इक्वल टू MA या MV स्क्वायर अपॉन R या एम आर ओमेगा स्क्वायर या सेंट्रीपीटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इज रिक्वायर्ड। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ बताओ, इसका मतलब F इक्वल टू MA या MV स्क्वायर अपॉन R या MR ओमेगा स्क्वायर या फिर सेंट्रीपीटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इज रिक्वायर्ड। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? उज्ज्वल बता बेटा, F इक्वल टू MA या MV स्क्वायर अपॉन R या MR ओमेगा स्क्वायर ये सेंट्रीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है? बता दो, क्लियर है ना? अब मुझे एक बात बता कि सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करता है, स्टेटमेंट सही है या गलत है? सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करता है वो सही है या गलत है बेटा? बेटा ये बता। हाँ, वो एक्ट नहीं करता, उतना चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। सेंट्रीपीटल फोर्स, इसको चलो आगे से मैं CF कह दूंगा बेटा जी, डज नॉट एक्ट ये क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। और मुझे एक बात बताओ कि जितने भी फोर्स एक्चुअल में एक्ट कर रहे होते हैं वो उसको सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। उज्ज्वल बता, एक्चुअल में जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जो है, ठीक। देयरफॉर फोर्सेस एक्टिंग विल प्रोवाइड सेंट्रीपीटल फोर्स। और यह एक बात बताओ कि अगर मैं कह दूं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो एक्चुअल में एक्ट कर रहे हैं, हाँ वो MA होना चाहिए या MV स्क्वायर अपॉन R होना चाहिए या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए? बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है बेटा? ठीक,
ठीक, लेकिन ये किधर को बताओ जो है, टूवर्ड्स सेंटर, ये कह लो बस हो गया। तो जितने भी फोर्सेस बॉडी में एक्ट कर रहे हैं उन सब का जो वेक्टर सम होना चाहिए वो एमवी स्क्वायर अपॉन आर आना चाहिए, किधर को बताओ, सेंटर की तरफ को जो है। लेकिन ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा जो है गोपी, ये हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें स्पीड क्या रहती है बता जो है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, बाकी चलो फिर कल करते हैं। ओके बाय एंड थैंक यू, बाय बेटा।